क्या वो घर है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ हिजरत की थी, तो बीबी फातिमा और कुछ साहबी, क्योंकि वो शुरू के मुसलमान थे, तो वो उन लोगों ने मक्का से बाहर वहाँ 3-3.5 साल कर साहब उन घरों में गुजारा था जो आज भी कायम हुआ है। आज तक मैं जितने मुल्कों में भी गया हूँ, जितनी जगह भी मैंने देखी है ना, ऐसी पुरसकून जगह मुझे आज तक नहीं मिली और ना ये व्यू। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने उमरा कर लिया है, लेकिन अभी जो मेरी हालत है ना, मतलब कल हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने डिसाइड किया था हमने कल उमरा नहीं करना, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर हम गारे हीरा पे चले गए, वहाँ हमने 3 घंटे तकरीबन हाइकिंग की है, गारे हीरा पे गए हैं, तो उसके बाद हमारी हालत काफ़ी पतली थी, लेकिन होटल में आकर फिर हमने डिसाइड किया कि यार उमरा आज ही कर लिया जाए। और फिर रात को हमने उमरा शुरू किया तो हमें 4-5 घंटे वहाँ भी लग गए, तो कल हमने इतनी वॉक किया इन टोटल कि अभी मेरे पाँव सूजे हुए हैं और मेरे चलना भी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन काम था वो हमारा हो गया। अभी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो मस्जिद हराम है ना बिल्कुल मेरे सामने है, सिर्फ खाना कहाँ यहाँ से नज़र नहीं आता, वो इन बिल्डिंग्स के पीछे है कहीं पे, लेकिन मैंने होटल बुक किया था तो मेरा अंदाज़ा यही था कि खाना कहाँ भी मेरे सामने होगा। बट माई बैड, आज का प्लान यह है कि आज हमने मक्का में कुछ ज़्यादा करनी है और उसके बाद फिर हम मदीना चले जाएंगे। मक्का में एक अच्छी चीज़ है कि जगह जगह आपको देसी ढाबे मिल जाते हैं, अपना लोकल फूड, और प्राइस भी इनकी रीजनेबल है। सबसे मजे की बात अपनी देसी चाय यार, बहुत गर्मी है, उसमें ना काला सूट पहना हुआ है। अभी यहाँ से निकलते हैं मैदान अरफात की तरफ, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, और हज के दौरान इस जगह की ज़ियारत करना भी हज का एक ख़ास रुकन है। कह रहे हैं जी यहाँ से सीधा जाएं, आगे से लेफ्ट, फिर सीधा और फिर आप पहुँच जाएंगे। एक तो वैसा ज़रा अरबिक वाइब्स के लिए, ऊपर से इतनी गर्मी है ना, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी आपको सर को लग देती है, लेकिन आपको सर में फूज रहे ना, बाकी ओके है, तो काले कपड़ों को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बांध के सिर पे रख लो, बस गंड मार लो, रखो सिर पे अगला पल्लू पिछला गंड मार लो। I have a question. Do you know where are Madani Arfat? The Arfat Jabal, Arfat Jabal. Jabal Arfat. This is a Jabal. Yeah. But the people they gather here after Hajj. No, I speak English. بس حج ما شاء الله. Okay. Here. Yeah. Perfect. Jazakallah. अच्छा ये एक छोटा सा डाउट था मुझे कि वो कौन सी जगह जहाँ पे हज इकट्ठे होते हैं हज के बाद। Definitely मैदान अरफात, ये पहाड़ है अरफात का, इसके करीब ही होना चाहिए था क्योंकि इधर सारी ये पार्किंग सी इन्होंने बनाई हुई है, विच इज़ जस्ट एन ओपन प्लेस, तो ये वो जगह है जहाँ पर सारे हज इकट्ठे होते हैं हज के बाद, जो कि हज का एक ज़रूरी हिस्सा है। अच्छा ये पॉइंट सिर्फ इन्होंने एज आ यादगार के तौर पर बनाया हुआ है। इस पहाड़ को जबले रहमत भी कहते हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना, कहा यह जाता है कि यहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हवा को यहाँ पर उतारा गया था जन्नत से, जब उनको ज़मीन पे भेजा गया था उस जगह पे उनको फिर माफ़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसको जबले रहमत, रहमत का पहाड़ भी कहते हैं। अलबत्ता ये हिस्टोरिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक ही दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया अपनी ज़िंदगी में, और वो खुतबातुल हिज्जतुल विदा ही था, जिसमें उन्होंने अल्लाह और उसकी किताब को ही पकड़े रखने की बात की थी, और दूसरी चीज़ों से ज़रा दूर रहने की तलकीन की हुई है। यहीं पे ही मैदान हश्र लगेगा, यहीं पे ही तख्ते अल्लाह रखा जाएगा, इसी जगह पे, यहीं पे ही सबका हिसाब किताब होगा।
जी बिल्कुल, उनकी बेटी का नाम, उनका बाप जो है वो भी सरदार है, कायनात के सरदार है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर आप ये क्या कर रहे थे मुझे बताइएगा। लेकिन आप माशाल्लाह इतने अकलमंद लोग आदमी हैं आप, सर इसको क्या बोलिए, ये क्या है, ये तो हमने बनाया है, हमने बनाया है, ये ईंटों का पत्थर है, ईंटों की ये पिलर बना दिया उन्होंने निशानदेही के लिए, निशानदेही के लिए। तो अंकल जी ना लिख रहे हैं अपना, ये परसों पेंट होना मिट जाना, कोई बात नहीं, बंदे दी अपना होता है। थोड़ी ठंडी हो ले यार, बड़ी गर्मी है, एक और दे दे, ज्यादा लेके गाड़ी रख नहीं सकते, गर्म हो जाता है, जगह जगह ढूंढना पड़ता है। मतलब अभी तकरीबन 2 बजे हैं दोपहर के, अब यहाँ से निकल रहे हैं और अगली डेस्टिनेशन उम्मीद है सुलह देविया वाली जो मस्जिद है वो होगी। ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे मुआहदा हुआ था आम सल्लम और कुरैश के लोगों के बीच में, इसके बिल्कुल साथ है मस्जिद हुदैबिया। इस ज़माने की बात है जब आम सल्लम मदीना हिजरत कर चुके थे और फिर मुसलमानों को इजाज़त नहीं मिलती थी मक्का आने की, तो लेकिन एक टाइम आया था कि कुछ लोग थे जो मक्का गए थे, जो जाके वहाँ पर अपनी ज़ियारतें की हैं, उमरा भी किया, तो जब वापस मदीना लौटे हैं उसके बाद उन्होंने फिर आज सल्लम को बताया कि वो इस तरह उमरा करके आए हैं, जैसे फिर ये इंप्रेशन गया था कि शायद जो कुरैश के लोग हैं वो मुसलमानों को अलाउ करेंगे उमरा करने के लिए। तो आज सल्लम ने 1400 लोग अपने साथ लिए, उन्होंने वहाँ से अहराम बांधा मदीना से और मक्का की तरफ निकल गए कि हम भी उमरा करके आएंगे। जब वो मक्का पहुँचे हैं तो मक्का लोगों ने उनको एंटर नहीं होने दिया, तो उन्होंने काफ़ी अर्सा मक्का के बाहर कैंप भी लगा के रखे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि पीसफुली हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। अमेजिंग, तो जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है ना वो बड़ी ख़ास है, क्योंकि वो है घर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मतलब आप गूगल करते रहे आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मक्का से बिलाल भाई से, उन्होंने हमें ये लोकेशन बताई है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें वो जगह मिल जाएगी। इस सिटी का नाम है अल जमूम, छोटा सिटी है। अगर आप मक्का से जद्दा वाली साइड पे आते हैं ना, तो उसके रास्ते में आते हैं, तो एक्चुअली अभी हम डायरेक्शन जद्दा वाली में जा रहे हैं, तो रास्ते में एक दो अपने चेक पॉइंट्स और चेक करके तो वहाँ से फिर आगे मदीना वाली साइड पे निकलेंगे। कितने पैसे हुए? 38 रियाल दियो जी। ये जगह का पहले पता ही, जगह कहाँ पे? ये किधर है? इधर है कहीं शेर में, ये घर है हजरत फातिमा का, एक मस्जिद है बता। यार हमारी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही, मस्जिद में पूछते हैं किसी से शायद। अभी यहाँ पे पीछे एक आबादी छोड़ गए थे टाउन सा, उसको पहले फातिमा वादी, वादी फातिमा कहते थे, उसका नाम अल जमूम रखा है इन्होंने। देखी थी मैंने लेकिन पता नहीं था, वापस जाके वहाँ दोबारा किससे पूछते हैं। ना बांधा ना बांधे की जात, मक्का रोड मिकात उत्थे है कंदा सारी चीज़, मिकात तो बड़ा पीछे छड़ के आए हैं। हाँ तो रहने फिर निकल थे, यू टर्न ले दे वापस चली उधर, चलो जन के अंदर मैं ही कहना भी
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਛੋਟਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਏ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਚਾਹ ਉਹ ਆਪ ਬੁਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਅੱਛਾ अभी हम मदीना से तकरीबन 3 घंटे के फासले पे हैं। लोग क्या थोड़ा खाना शाना खा लें, थोड़ी भूख लगी हुई है, चाय पी लें, थोड़ा फ्रेश हो जाए, राइड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अमीर है, कोई स्टॉप नहीं करना, टाइम कम है, अगर हम 9-10 बजे तक पहुँच जाना वहाँ पर अमेजिंग, शाम के थोड़ा मदीना घूमेंगे, क्विकली लंच टी एंड देन वी आर लीविंग। भैया जी कौन सी चाय है? कौन सी चाय है? चाय लिप्टन वाली, ग्रीन टी यू मीन? दूसरी नहीं है, दूध वाली? दूध वाले हैं। दूध वाले दो चाय दे दो। ना सी एक्सपेक्टेड थी, इट्स ओके, टाइम कम है, अंधेरा होने वाला है, चाय पी के निकल रहे हैं। पहले चेक इन फिर मदीना की गलियां इंशाल्लाह। अभी फाइनली हम मस्जिद नबवी इन मदीना, सो अमेजिंग प्लेस, सो रिलैक्सिंग, लगता है 1.5 घंटे हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, अमेजिंग वाइब्स। अभी जाते हैं थोड़ी बात वगैरह करते हैं, थोड़ी मस्जिद देखते हैं, लेकिन जो आज का व्हील होगा उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मस्जिद की ज़्यारत जो बाकी जगह हैं मदीना में देखने वाली वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। आज के लिए यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फ्रॉम माई नेक्स्ट व्लॉग।